कॉल सेंटर का खुलासा कर दिया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही, कितने समय से फर्जी कॉल सेंटर संचालित हो रहा था? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आबू रोड के रिको में ये मामला सामने आया है। यहाँ पर देखा जाए तो जो आरोपी जो है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और यहाँ पर चल रहे एक आवासीय मकान में ये साइबर क्राइम का खेल चल रहा था। यानी कि पुलिस की साइबर क्राइम की स्पेशल टीम ने ये कार्रवाई करते हुए इनका खुलासा किया। और ये बता दें आपको कि यहाँ पर लगातार छह जो फर्जी जो है आरोपी को पकड़ा गया। ये आरोपी जो अहमदाबाद के बताए जा रहे हैं, वहीं इनको बताया जा रहा है कि अमेरिका से फर्जी लोन देने की एवज में ये गुट ये चल रहा था, लेकिन पुलिस की एक्टिवनेस के से ये मामला सामने आया है। जी बिल्कुल, पूछताछ लगातार जारी है, बताया जा रहा है, छह लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कुछ अंदरखाने से बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या किसी प्रकार की बड़ी जानकारी, कौन कौन से लोग शामिल थे गिरोह में? जी बता दें, यानी कि इनके मुख्य जो सरगना है उनकी भी अभी जांच अभी चल रही है और अभी खुलासा सामने नहीं हुआ है। पुलिस ने ये बताया कि सामने की कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके मुख्य तार कई मुंबई के और कई राज्य में भी होने की संभावना साफ तौर से नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल, ऐसे में बताया जा रहा है कि खासतौर पर अमेरिकी जो लोग हैं उनको ये लोग टारगेट बनाते थे, धोखा देते थे। किस प्रकार से ये पूरा काम संचालित हो रहा था और क्या किसी प्रकार की चेन भी है इनकी, ऐसे फर्जी कॉल सेंटर्स की? जी बिल्कुल, मामला खुलकर सामने आया है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी आरोपियों से पूछताछ अभी जारी है और बताया जा रहा है कि ये भारत के कई राज्यों में इनका ये कॉल सेंटर चल रहा है। और वही बताया जा रहा है कि अमेरिका में, खासतौर अमेरिका में कई लोगों को लोन दिलाने के, ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। जी बिल्कुल, ऐसे में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी इसको लेकर भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।